आज मैं आपको बताने वाला हूं नौ ऐसी टिप्स कि जिससे आप लंबे समय तक बेड पर चल सकते हैं। क्या है कि 100 में से कम 60-70 लोगों को जल्दी निकल जाने का प्रॉब्लम है। लोग अपना सेक्स लाइफ एंजॉय नहीं करते, मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते हैं, बीवी शांत नहीं होती, उसको मज़ा नहीं आता, आदमी का डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है और फिर उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है बीवी का। फिर आदमी बोलता है कि देखो पत्नी को इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको मज़ा ही नहीं आ रहा तो इंटरेस्ट क्यों आएगा। ये सब टालने के लिए आपका जो इंटरकोर्स है वो 5 मिनट के ऊपर ही होना चाहिए। टोटली इंटरकोर्स जो है वो 30 मिनट से 1 घंटा चला तो बहुत अच्छा है। टोटल इंटरकोर्स जिसमें फोर प्ले, सेक्स और आफ्टर प्ले या आउट प्ले, ये सब मिला के 1 घंटा हो गया तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी ये जो 9 टिप्स है इसमें के 3 जो टिप्स है मैं आपको बताने वाला हूँ कि रोज करने हैं डेली के लाइफ में। तो उसमें क्या है, उसमें है नंबर 1 कि भाई आपने एक बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। बैलेंस डाइट में हरी सब्जियां, पत्ते वाली, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, प्रोटीन युक्त सब तरह की दालें सब आप लेते हैं जिससे बहुत फ़ायदा होगा। तो बैलेंस डाइट, प्रोटीन युक्त डाइट, सब्जियां, तो जिसमें आपको झिंक, मैग्नीशियम सभी चीज़ें मिलेंगी, ये बहुत कारगर है। नंबर 2, आपके अंदर रोज कीगल एक्सरसाइज करना है। इसका अलग वीडियो मेरा है, कीगल एक्सरसाइज रोज, कितने दिन तक, रोज। और नंबर 3, आपका फिटनेस होना जरूरी है और फिटनेस के लिए आप रोज कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट तक रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग कुछ भी करते हैं। और प्रूवन ये है कि 40 मिनट में 5 किलोमीटर होना चाहिए, फिर आप देखो कैसा स्पीड आपको एडजस्ट करना है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अभी आपको देखना है कि सेक्स करने के समय क्या करना है, उसके 6 पॉइंट आपको बताता हूँ। नंबर 1 बहुत ही फायदे वाला है, वो है कि आपको मन भटका देने का है। कभी कभी क्या होता है कि पूरा ख्याल वहीं रखे और एक्साइटमेंट ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया ना तो फिर जल्दी निकल जाता है, ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है। तो ऐसा लगा आपको कि बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए तो आपका मन भटक डालो, थोड़ा सा होल्ड करो, बाहर निकालो, रिलैक्स हो जाना, मन भटकाना ताकि थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा। नंबर 2, स्टॉप स्टार्ट एंड स्क्वीज टेक्निक। ऐसा आपको लगेगा कि एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वो आपको समझाना पड़ेगा बीबी को कि भाई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के पहले ही बाहर निकालना है और उसको दबाने का है। समझो ये लिंग है तो ये सामने वाला मोटा पोर्शन है ग्लांस पेनिस, उसके पीछे ग्रूव रहता है, गड्ढा है, तो गड्ढे के नीचे ऐसा अंगूठा, उसके ऊपर 2 उंगलियां और जोर से ताकत से दबाने का है ताकि वो ढीला हो जाए। तो स्क्वीज टेक्निक है, तो ये ड्यूरिंग सेक्स कर सकते हैं। नंबर 3, एंटर करने के बाद में जब सेक्स चालू हो जाता है ऐसा लगता है कि गिर जाएगा तो उसके पहले आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं चालू सेक्स में, उससे भी बहुत फायदा होता है। नंबर 4 जो है वो है कि आप बहुत ज़्यादा पहले क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करो, बीबी का डिस्चार्ज पहले कर लो। मतलब क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ऐसा जिसका टिंगलिंग करते हैं क्लाइटोरिस का, योनिलिंग जिसको बोलते हैं उसका, और योनि का बाहर का जो 1.5 इंच का जो हिस्सा रहता है वो भी बहुत सेंसिटिव रहता है उंगली से, और जब उंगली से आप करते हैं तो कहीं नाखून बिखून नहीं लगे तो नाखून काटना है। और यदि आप अच्छा अपॉइंटमेंट लगाते हैं लुब्रिकेटिंग तो उसको तकलीफ नहीं होगी, मज़ा आएगा। तो क्लाइटोरल स्टिमुलेशन, वजाइनल स्टिमुलेशन करना है, या बॉडी के जो भी पार्ट्स है, शोल्डर्स है, बटक्स है, थाइज़ है, उसको स्टिमुलेट करना है और बीबी का डिस्चार्ज पहले कर देने का है ताकि फिर आपका टेंशन निकल जाएगा कि भाई मेरा होगा क्या, मेरा होगा क्या, वो निकल गया एक बार टेंशन तो फ़ायदा होता है। नंबर 5 जो है, एक काम करो, फोरप्ले लंबा करो। फोरप्ले लंबा करेंगे आप तो नेचुरली लंबा चलेगा इंटरकोर्स, तो उससे भी फायदा होता है। और नंबर 6 जो है वो है जल्दबाजी में इंटरकोर्स ना करो। और जल्दबाजी का मतलब ऐसा होता है, हो सकता है कि कोई आने वाला है गेस्ट और आप कर रहे हैं, हो सकता है कि फ़ोन आने वाला है और आप इंटरकोर्स करेंगे चलो निपटाना है करके, या फिर पेशाब लगी हुई है, लेटरिन लगी है, मतलब कुछ तो भी काम और बाद में करना है, तो ये निपटाना करके निपटाने का नहीं है, तो जल्दबाजी करना नहीं है। तो इस तरह का आप ये सब करते हैं सेक्स का तो डेफिनेटली आपका सेक्स जो है वो टोटल 30 मिनट से 1 घंटा तक चलेगा और आपको बहुत उसमें मज़ा आएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।